कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि कैलाश वर्मा जी पहली बात तो यह है कि हमारे मित्र हैं, और जैसे कि मैंने अपनी प्रोफेशनल यात्रा 1984 में शुरू की, बिल्कुल उसी तरीके से ही कैलाश जी ने भी अपनी आकाशवाणी की जो यात्रा है वो सन 84 से पैक्स के तौर पर शुरू की, और उसके बाद यात्रा बढ़ती है और आगे सभी तरक्की करते हैं जीवन में। तो ये स्टेशन डायरेक्टर भी रहे, आकाशवाणी रोहतक के भी रहे, कुरुक्षेत्र के भी रहे, हिसार के भी रहे, और सारे तीनों के कंबाइंड के भी रहे, और इसके अलावा अलग अलग पोजीशंस पे रहे हैं। लेकिन इससे हटकर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ये संगीतकार हैं, और उससे भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये हरियाणा के लोक संगीत के ऊपर, अगर मैं यूं कहूं कि शायद इनसे बेहतर हरियाणवी संगीत को से और कोई बेहतर परिचित नहीं होगा, तो वो बात कोई कमी नहीं होगी इस बात में कहने में। ये सबसे इस उसमें कहूं तो सशक्त हैं आपका परिचय, और बहुत सी बार आपसे बातचीत करने का मौका भी मिला है, और आपके साथ मंच पर इसी संगीत को लेकर चर्चा करने का भी बहुत मौका मिला है। मैं शुरुआत चाहूँगा कैलाश जी कि आपने अपने संगीत जीवन की शुरुआत पहले कैसे की? पैक्स तो चलिए बाद में हुए, लेकिन संगीत की यात्रा शुरुआत कैसे हुई आपकी? सबसे पहले लाठर साहब आपका मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि इतना अच्छा मुझे ये मौका मिला है आज आपसे और सबसे रूबरू होने का। तो संगीत की शुरुआत मैंने बहुत छोटेपन से ही कर दी थी। लगभग जब मैं स्कूल में एडमिशन हुआ था तो वो लगभग 4.5 साल की उम्र में जो है, हालांकि उस वक्त 6 साल के बच्चे को लेते थे, पर मैं बोलता बहुत ज़्यादा था, तो घर वालों को लगा कि शायद इसको स्कूल में जल्दी करवा दो। तो वो मुझे जो है स्कूल में, वो पहले कच्ची पक्की क्लासें होती थी, जी जी जी, तो वहाँ मुझे जो है वो उन्होंने स्कूल में भेज दिया था। वहाँ स्कूल में मुझे तो खुद नहीं पता था कि गाना सुनते थे टीचर्स, एक असेंबली होती थी यार शनिवार को होती थी, वो मुझे खड़ा कर देते थे कि गाना सुनाओ, और लगभग वहीं से मैं शुरुआत मानता हूँ कि मैंने वहाँ से गाना शुरू कर दिया था। बल्कि उससे भी पहले मैं जब और थोड़ा सा 6 महीने कम था, 4 साल का था, तो बड़े भाई की शादी में मुझे वहाँ खड़ा कर दिया गाना गाने के लिए। और उन दिनों में जो लेके आए भाभी को, तो मुझे याद है तांगे में लेके आए थे, जी जी, तांगे में लेके आए थे, तो वहाँ मुझसे गाना सुनने के लिए बोला उन्होंने, मैंने शुरू कर दिया गाना। मुझे याद है अच्छे से कि घोड़ा पिशोरी मेरा, वो एक गाना होता था तो वो तांगे वाला भी जो समझ गया भाई ये बच्चा गाना गाता है, तो वो कहीं भी बीच में तांगा रोक दे और कहते भाई ये घोड़ा तब चलेगा जब वो आप गाना गाओगे और मैं फिर शुरू हो जाता गाना गाने के लिए। ऐसे ही करते करते वहाँ गांव से लेके और रोहतक तक जो है वो गाना सुनते रहे, वहाँ से मैं समझता हूँ कि मैंने शुरुआत की है। फिर स्कूल में आ गए तो स्कूल में गाना सुनते थे, और कभी जो है वो कोई कलम इनाम में देते, कभी पेंसिल इनाम में मिल जाती थी, या एक आध बार कभी फुटा मिल जाता था, कभी मुल्तानी मिट्टी दे देते थे उठा के तख्ती पहुंचने के लिए तो लाठर साहब वहाँ से मैं आपका संगीत का संगीत से एक तरह से जो है शुरुआत हो गई थी मेरी। तो आपने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली इसकी? नहीं, तब तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी। हाँ जी, तब कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तब बस गाना ही गाने थे, फिल्मी गाने होते थे पुराने पुराने, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, और इस तरह के गाने मैं गाता था। जी जी जी। तो वहाँ चौथी पांचवी क्लास में जब मैं पहुँचा, जब प्राइमरी में, तो प्रार्थना करवाता था मैं वहाँ। तो हाई स्कूल में एक हमारे टीचर होते थे पंडित श्री कृष्ण शर्मा, बहुत गुणी जन थे वो, बहुत गुणी थे वो। मैंने मिले हैं, मिले हुए हैं। हाँ, वो पीटीआई थे वहाँ असल में, लेकिन गाना ही करवाते थे, संगीत के थे वो, बहुत गुणी व्यक्ति थे वो। तो वो
कभी कभी मुझे वहाँ से प्राइमरी स्कूल से बुला के हाई स्कूल की स्टेज पे खड़ा कर देते थे, जो छठी क्लास से शुरू होती थी वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। और वो कहते थे ये देखो ये छोटा बच्चा प्राइमरी से आया है, इससे आप गाना सुनिए। तो मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता था जी। ठीक। और उन्हीं दिनों में जब हरियाणा बना बना था तो पंडित भगवत जाल जी मुख्यमंत्री बने थे, मुझे याद है कि वहाँ भी मुझे वो एक वेलकम सॉन्ग तैयार करवाया था उन्होंने। तो वो बाकी स्कूल के जेबीटी की बहुत बड़ी बड़ी लड़कियाँ होती थी और स्कूल के बच्चे होते थे, उनके साथ मुझे खड़ा कर दिया था उन्होंने। तो वहाँ से मुझे लगता था कि भाई जब मैं हाई स्कूल में आने से पहले ही ये सारी जो है गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। तब आप जब तक कॉलेज वॉलेज आए तब तक तो इसमें परिपक्व हो चुके थे जी। वहाँ हाई स्कूल में भी ले जाते थे, वहाँ पैट्रियोटिक सॉन्ग सिखाते थे वो, और तभी से जो है ये जब कॉलेज में आए तो फिर कॉलेज में। तो आपका जन्म भी रोहतक में है? हाँ, मेरा जन्म जो है रोहतक में ही बारह मोहल्ला में हुआ है, वहीं से जो है सारी एजुकेशन हुई है रोहतक से ही, वहीं से हुई। हाँ, सब वहीं से हुआ जी। ठीक ठीक ठीक। तो ये जो हरियाणवी संगीत के बारे में जो आपकी मालूमात हैं, हाँ, और मैं तो सदा से ही इम्प्रेस रहा हूँ, वो कैसे उसमें रुचि आपकी बनी और ये कहाँ से आपने इतने समझ पाए चीज़ों को? वो जो असल में जो मेरा परिवेश था, मेरी माँ वो गांव से थी और मेरे पिताजी शहर के, उनका तो शहर में ही जन्म हुआ था, तो दोनों जो संस्कृतियाँ थी हमारी गांव की और शहरी जो मिली जुली थी, वो मुझे बचपन से ही जो है वो विरासत में मिली है। माँ बहुत अच्छी हरियाणवी बोलती थी, पिताजी बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे शहरी, तो दोनों चीज़ों से जो है वास्ता पड़ता था। घर में जो है वो बिल्कुल ऐसा वातावरण था भाई, जैसे गाय भैंस भी रखनी थी और मदर जो है वो सारी चीज़ें मतलब वो हमें बताती थी, बचपन से ही देखते रहते थे वहाँ दूध कैसे बिलोना है, वो भी माँ का जो है हम साथ देते थे कभी कभी बैठ के, और गाय भैंस का कैसे करना है, धार कैसे निकालनी है, ये भी बचपन से सीख लिया। बचपन से, हाँ, भैंस को पानी पिला के लाना है तो वो भी मतलब जो है उनके लिए चारा लेके आना है, खेत में जाना है, हालांकि हमारे अपने खेत नहीं थे लेकिन वो ले लेते थे वहाँ उनसे, जी, मिल जी, जाता जी। था हमें, वहाँ से बरसम कटवा के लानी है, वो भी समझ में आता था। समझ में। फिर एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था लाठर साहब हमारा, वहाँ उसमें जब ब्याह शादी होते थे तो एक संयुक्त परिवार, मुझे लगता है कि वो 100 बंदों का परिवार था हमारा। क्या बात। हाँ, बहुत बड़ा परिवार मैंने जो है वो देखा है अपने घर का, कि उसमें हम मेरे जो हैं पिताजी और उनके भाई और उनका परिवार, और मेरे दादाजी के बड़े भाई ये उनका परिवार, वो एक ही घर में रहते थे। शादियां होती थी तो वहाँ वो गीत गाते थे, वो बन्ने बन्नी वो बचपन से ही वो सुनते थे, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो, मैं उनको जो है कंठस्थ कर लेता था। तो ये जो जो हमारे जो संस्कार गीत हैं, या भाई जैसे झूला झूलते थे वहाँ, तो वहीं नीम का पेड़ था हमारे घर के पास, जब बाहर जब आए शहर से तो वहाँ झूला डलता था, तो वो भाभियाँ भी झूलती थी, तो और वो बाकी परिवार के या हमारी जो जो मतलब महिलाएं झूलती थी वो गीत गाते थे, तो सावन की गीत इस तरह से मुझे बहुत सारे याद हो गए थे। हाँ, मतलब ये है कि वो माहौल ही सारा। इवन रात को फागुन के महीने में भी मैं देखता था कि वो औरतें गांव सारी औरतें इकट्ठी बैठ जाती थी, वो माहौल ही ऐसा मिलता रहा मुझे कि वो सारे गीत मुझे मतलब मुझे एक तरह से देखा जाए तो अपना अपनी समझ जो मेरी आई है वो बाद में आई है, ये गीतों से रूबरू पहले हो गया मैं। बहुत खूब। मेरी एक किताब है अभी छपने के लिए तैयार है, वैसे ही छपने के डिले हो गया, काल और ताल, काल और ताल के नाम से। तो उसमें बचपन में पैदा होने से लेके और मृत्यु तक के, क्योंकि मृत्यु का होता है ना, पहले बड़ा करते हैं तो उसके भी गीत होते हैं। हाँ, होते हैं। तो वो सारे उसमें एक तरफ गीत हैं, दूसरी तरफ उसमें सामने नोटेशन है, यानी कि एक गीत हो गया और उसके सामने उसमें उसकी नोटेशन है। तो वो तैयार है और 150 के करीब धुने मतलब उसमें हैं।
तो मैं आपसे आज, क्योंकि इतनी हमारे यहाँ तो पैदा होने से लेके मृत्यु तक के सारे संस्कार है ना, सभी संस्कारों के गीत हैं, हर चीज को लेकर गीत है, हर रस्म को लेके अलग गीत हैं, और एकदम से पकड़ में आते हैं, समझते हैं, और बड़े रसीले भी होते हैं, है ना। तो पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि कोई संस्कार के कोई गीत जो है वो कोई आप सुनाए। जी बिल्कुल, अब मैं तो सोचूंगा कि जन्म से ही शुरू हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल देखिए, जन्म से लेके मृत्यु तक के ये हमारे जो है संस्कार गीत हैं। तो जन्म के समय जैसे जब लड़का होता था, होता है अभी भी चलते हैं ये गीत है, तो जो जच्चा है उसको ननद जो है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, उसके कुछ वो सोचती है कि मुझे कुछ मिलेगा, बेटा हुआ है तो मांगे ननद रानी कंगड़ा, हो लड़का हुए का, होलर जो है वो बच्चे को भी कहते हैं, लड़के को भी कहते हैं। मांगे ननद रानी कंगड़ा, हो लड़के हुए का, यो कंगना अपने बाप के तैनाई, यो कंगना अपने बाप के तैनाई, ना दूंगी कंगना, हो लड़के हुए का, मांगे ननद रानी कंगना, लड़के। ये तो थी उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी है ननद की, ननद की, कि वो मांगती है, वो कहती है मैं ये तो मैं अपने कंगना जो है अपने बाप की घर से लाई हूँ, तो मैं क्यों दूँ इसको। इसी तरह से जो है जब उसके वो लड़का होता है तो उसके बहुत लाड़ लड़ाए जाते हैं, तो उस तरह के भी गीत हैं इसमें। जी जी जी। चचा की चटोरी जीब जलेबी मांगे से, होता क्या है कि जब जच्चा होती है तो ओझने भी लग जाते हैं, बच्चा ओझने से पहले उनको ओझने कहा जाता है, वो तरह तरह की फरमाइश करती है। जचा की चटोरी जीब जलेबी मांगे से, जचा की चटोरी जीव जलेबी मांगे से, इस तरह के भी गीत हैं। और जैसे लड़का हुआ है तो वो घर से जो है छूछक आता है। जी 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 तो जी। छूछक का मतलब ये है कि भाई मायके से जो है वो उसके लिए गूंद और कपड़े और उसके बच्चे के लिए जो है वो खिलौने, वो गिफ्ट जो है। हाँ, हाँ। जब वो अपनी ससुराल में अगर उसके बच्चा होता हाँ, है तो वो वहाँ से अपने मायके से पियर से जो है वो बहुत सारी चीजें जो है आती हैं, उसे छुछक कहते हैं। छुछक कहते हैं, तो पीलिया भी बोलते हैं उसको। पीलिया भी बोलते हैं। जी। उस वक्त क्या होता है लटर साहब के एक पीढ़िया आता है घर से, पीड़ा पीली चुंदड़ी आती है, वो बहुत अच्छी गोटे लगी होती है, पीढ़िया बोलते हैं उसको। पीड़ा तोड़ी मारी जच्चा पानी ने चली जी, पीड़ा तोड़ी मारी जच्चा पानी ने चली जी, सारा शहर सराया गढ़ मारो पीड़ा रंगा दो जी। ये इस तरह का गीत होता है कि वो उसके वो जब उसको कुआं पूजन के लिए ले जाते हैं जी, तो वो उसके सर पे जो है दो गढ़ रखे और उसको जच्चा को जो है वो जब 40 दिन की हो जाती है सब जब शावड़ वगैरह निकल जाती है तो तब जो है ये जो है उसके परिवार की महिलाएं और उसके जो भी परिवार के जो सदस्य हैं वो साथ साथ चलते हैं, और सबसे पहले जो है वो जलवा पूजन की रस्म होती है तब उसकी। जी जी हाँ, तो 40 दिन तक तो कुआ पूजन करवाते हैं, तो पहले जो है ये कह सकते हैं कि जच्चा जो है पूरी तरह से शुद्ध हो गई है और उसको जो है पूरा साज श्रृंगार के साथ
और खुशियाँ मनाते हुए जो है परिवार परिवार के सदस्य है वो कुएँ पे जाते हैं। कुएँ की जो है वो जल देवता की पूजा होती है वहाँ बाकायदा, और ये गीत गाते चलते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ जन्म संस्कार से रिलेटेड जो हैं गीत हैं।